रेडी। तो अभी हम लोग नाव में सवार हो चुके हैं और यूपी के बॉर्डर पर अभी पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग बीच में हैं, नाव चल रही है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उस बार की एक बार तस्वीर सारी दिखा दें कि किस प्रकार से जो नाविक हैं नाव चला रहे हैं। और चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पानी की धार है वे दिख रही है। और कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दें कि चारों तरफ किस प्रकार से जो है कि पानियों से घिरा हुआ है। और हमारे साथ एक और रिपोर्टर मौजूद हैं, चलिए उनसे हम बात करेंगे, अजीत जी से। अजीत जी, कैसा लग रहा है आपको नाव में सवार? बढ़िया लग रहा है। हम तो मतलब इस पार से उस पार फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और एक उत्सुकता है कि मतलब इसको देखा जाए। तो उसी बीच में ध्यान आया कि जो हमारे नए दर्शक हैं, जो लोग बलिया से यूपी से बिहार और बिहार से यूपी जाते हैं, उनके लिए एक वीडियो दिया जाए ताकि वो लोग देख सकें कि कैसे सफ़र होता है। देख सकते हैं हम लोग का गाड़ी इसमें लग चुका है। तीन लोग हम लोग थे और हम लोग तीनों भाई जो भी हैं, हम लोग सब लोग साथ में एकदम गाड़ी इसमें लग चुका है। और वो हमारे जादव जी हैं, वो भी साथ में है, नाविक हैं, सवारी वाले सब लोग हम साथ में एकदम बीच, अभी जो बोला जाता है ना, बीच में है एकदम। यूपी और बिहार का जो बीच वाला नदी है वहाँ पे हम लोग अभी धीरे धीरे करके अभी यूपी की तरफ जा रहे हैं। तो इतना मतलब बढ़िया लग रहा है नाव में सफ़र करना। बहुत रोड से गए हैं, माझी वाला से गए, गुठनी वाला से गए, लेकिन बीच से आज जाने का एक मज़ा ही कुछ अलग है। सो मैं आप लोगों को देख सकते हैं आपको कितना अच्छा और कितना उत्सुकता इसमें देखने को मिल रहा है। जो मजा, जो एक सड़क जाती है मरवा होकर और माझी ना, वो मजा नहीं है, वो मजा उससे मतलब लाख गुना मजा इसमें है। 5 से 10 मिनट के अंदर आप यूपी में चले जाइएगा। बिल्कुल हाँ, वो मजा कहाँ मिलने वाला है। जो रोड वाला ई वाला मजा रोड में कहाँ मिलेगा। रोड में एक तो रिस्क है, उसके बाद से आप चलिए, इसमें है कि खूब बढ़िया एकदम मजे में बैठ के देख रहे हैं कैसे मजा में बैठ के हम लोग जा रहे हैं एकदम बलिया के लिए। मौसम भी बढ़िया एकदम। अभी शाम 5 बज रहा है, शाम को 5 बजे हम लोग एकदम बलिया पहुंच रहे हैं। एक बीच का नदी है बस, बलिया यूपी और बिहार को जोड़ने वाला एक बीच का नदी है, उसी को क्रॉस कर लीजिए, बस आ गए। अब हम लोग कुछ दूर में मतलब चंद मिनटों में हम लोग यूपी पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियाँ जिस तरीके से गर्म है यूपी चुनाव को लेकर, तो हम लोग जाएंगे और वहाँ पे कंपेनिंग जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, जो भी पार्टी के हैं, उनका हम लोग इंटरव्यू करेंगे और वहाँ का देखेंगे दृश्य। आपको लगता है हम दिखाते रहेंगे। राजनीति अलग चीज़ है, किसी नेता का, विधायक का इंटरव्यू या जो कुछ है वो चीज़ अलग है, लेकिन इसका एक मज़ा कुछ और अलग है। जो भी दर्शक, मैं उन तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि जो नाविक चला रहे हैं भाई, ये भी खर्चे के लिए चला रहे हैं, तो जो भी लोग अगर रोड से सफ़र करते हैं तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप लोग खास तौर से नाव से सफ़र करिए, इसका मज़ा लीजिए, कुछ अलग है। बिल्कुल, जो मज़ा आपको नाव में सवार होकर मिल पाता है वह मज़ा आपको सड़क पे रोड में नहीं मिलेगा। रिस्क जो है सो अलग है, दो चक्का से चलने में रिस्क है सो अलग है, लेकिन ये वाला मज़ा कभी भी आपको रोड में नहीं मिलेगा। वो चाहे आप गुठनी होकर जाइए, चाहे आप माझी होकर जाइए, ये वाला मजा आपको वहाँ नहीं मिलेगा। पहली बचत आपको होगी कि कम समय में आपको पहुँचा दिया जाएगा। मात्र 10 मिनट का सफ़र होगा बिहार से यूपी तक पहुँचने में, और वहीं जो है कि सड़क होकर जाइए तो काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं, दुर्घटनाएं का भी रहता है। अभी हम लोग 4 मिनट हुआ चलते हुए, अभी पहुंचने वाले हम लोग हैं, 5 मिनट में और हम लोग पहुंच जाएंगे। और तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि पूरा गंगा जी यहाँ से वहाँ तक सारा पूरा गंगा जी देखेंगे। इधर देखिए, इधर तो थोड़ा बालू रेत है, लेकिन इधर देखिए तो पूरा गंगा जी ही है, यहाँ से वहाँ तक जितना आप देख लीजिए, दूर तक जितना नज़र आपका चला जाए देख लीजिए, पूरा गंगा जी है। आप फर्स्ट बार, सही में हकीकत है कि हम फर्स्ट बार नाव से सफ़र कर रहे हैं, आपका बिहार से यूपी जा रहे हैं। हो सकता है कि आने के समय भी हम इसी से सफ़र करें, कोशिश यही रहेगा। तो जैसा कि हम लोग जब आ रहे थे तो काफ़ी उत्सुकता थी कि फर्स्ट बार नाव में सवार होकर हम लोग चल रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब कहा नहीं जा सकता कि कितना मतलब उत्सुकता है, कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे जो भी हमारे भाई थे, ये लोग तो आते जाते हैं, स्टूडेंट हैं ये लोग, यूपी में एग्जाम देने जा रहे हैं हमारे भाई लोग, तो ये लोग तो आते जाते रहते हैं। ये लोग हैं, ये सब यूपी से बिहारी लोग आता, इन लोग का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हम
हमारा मतलब फर्स्ट टाइम है और आपका भी शायद फर्स्ट टाइम ही है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब सफर करा। ये हमारे भाई लोग है, ये लोग तो अपना स्टूडेंट है, ये लोग आते जाते रहते हैं, इन लोग का मतलब लगा रहता है, लेकिन हम लोग का फर्स्ट टाइम है ऊपर नाव से सफर करके बलिया जाना, फर्स्ट टाइम है। तो हम लोग अपना सफर जो भी है हम लोग लगातार आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नाव में सवार हैं, किस प्रकार से एंजॉय करके ये पहुंच गए, हंसते हंसते पहुंच गए और समय का भी पता नहीं चला कि कितनी जल्दी हम लोग पहुँच गए। अभी देखिए कि समय देख कर 9 मिनट में हम लोग पहुँच गए, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? 9 मिनट से कम ही लगा, करीब 7 मिनट में हम यहाँ पे आ चुके हैं, करीब 7 मिनट में हम अपना जो गंतव्य स्थान है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ से अपना बिहार से चल करके, यानी बिहार से यूपी हम आ चुके हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, बस मात्र 7 मिनट में हम लोग आ गए हैं। जो 70 मिनट का रास्ता है उसको मात्र 7 मिनट में हम लोग पार करके और अपना हम लोग बलिया में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, देख लीजिए बलिया आ गए हम लोग, अभी शायद हम लोग बलिया में हैं, ये अब उतरेंगे मतलब बलिया की ज़मीन पे हम लोग बस पैर रखने वाले हैं चंद मिनटों में। और मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है इसमें सफ़र करना, और तमाम लोगों से अपील है कि आप लोग भी इसमें सफ़र करिए। तो चलने वाला ही नाव है, देख सकते हैं आप। तो हम निवेदन करना चाहेंगे तमाम दर्शकों से कि एक बार यहाँ आएँ और देखें कि कितना एंजॉय करके आप हंसी खुशी में पहुंच सकते हैं, और आपको समय का भी पता नहीं चल पाएगा। देखिए आ गए हम लोग, बस पहुंच हम लोग पहुंच गए अभी, और नाव जो है कि अभी तुरंत बंद होने वाली है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पानी है, पानी समाप्त हो गया और घाट पे आ गए, घाट पे हम लोग पहुँच, मतलब ये बॉर्डर है, बॉर्डर का मतलब जहाँ पे निकला जाता है, यहाँ से अपना अपना गाड़ी उठा के जैसे जो सवारी है उसे अपना चला जाएगा। हम लोग बस आ चुके हैं, देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए, अब हम लोग उतरने वाले हैं। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।